सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल भरे दिन देखने, काटने और परेशान होने के लिए नहीं होते। ऐसे दिन तो लड़ने, सीखने और मुश्किलों के साथ मजा लेकर उन्हें दोस्त बनाने के लिए होते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा का वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से फल देता है। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 1:48 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है, हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। किसी संबंधित अथवा मित्र की उसकी समस्या के समाधान में मदद करना आपको खुशी देगा। परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करके आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगी। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अनेक लोगों की दखल अंदाजी बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। अपने गुस्से को काबू, लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी होगा। जिन लोगों के मन में आपके लिए गलतफहमी है, उन लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करें। काम से संबंधित ट्रेनिंग या किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके काम को बेहतर बना सकता है। रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती है, अपचय हो सकता है। सावधानियां, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा लोगों के समझ आपकी छवि बिगाड़ भी सकती है। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर भी नजर रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मेहमानों के आगमन से वातावरण खुशनुमा और सकारात्मक बनेगा। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। बात करते हैं करियर की। आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आज ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहे, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बच्चों में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। कार्य क्षेत्र में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार कर ले। साथ ही घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों की सहमति अवश्य ले।
कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको सर्दी और जुखाम हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथ खाने से पहले खासकर और वैसे भी कई बार धोएं। अगर संभव हो तो आज आराम करें, जिससे आप हो सकने वाली किसी बीमारी के आशंका से बच सके। नियमित और गहरी नींद लेना ना भूले, इससे आपको स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज आप गाय को ताजी रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।